नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंजन ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड का बेस्ट इंजन आइसर इंजन के बारे में। तो आइए जानते हैं इस इंजन के बारे में। ये जो इंजन है सिंगल सिलेंडर 12 एचपी का इंजन है। इसका मॉडल नंबर है 124ES 12 HP। तो आइए देखते हैं इस इंजन में क्या क्या लगा होता है। सबसे पहले तो ये अल्टरनेटर, चार्जिंग अल्टरनेटर है जो ल्यूकास कंपनी का है। उसी के साथ आपका डंपर पुली में फैन ब्लेड लगा होता है। ये आपका सेल्फ हो गया, ये आपका ब्रीदर हो गया, ब्रीदर देख सकते हैं आप। और आगे चलिए बढ़ते हैं, ये इसका एयर फिल्टर हो गया और होस जो देख रहे हैं इंटेक के हेड में सीधा गया है। और ये इसका लीवर है टैपेट कवर के पास। ये इसका लिफ्टिंग हुक है जिसे आप इंजन को आसानी से उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। ये इसका फ्यूल टैंक है जिसमें 12 लीटर डीजल लगता है। और ये इसका नेम प्लेट है जहाँ पे इंजन का सारा डिटेल रहता है। आइसर वालों ने ये नेम प्लेट आपका फ्लाईव्हील हाउसिंग के ऊपर लगाया है, जहाँ पे इंजन का सीरियल नंबर, इंजन का मॉडल, HP सारा लिखा हुआ होता है। और उसके बगल में ही आप देख सकते हैं स्टॉप करने के लिए एक लीवर दिया हुआ है जो रेड कलर का होता है। और उसके बगल में इंजन को एडजस्ट कर सकते हैं आप, RPM एडजस्ट कर सकते हैं। बगल में आपका फ्यूल फिल्टर है जो हाफ लीटर का होता है। ये इसका चाबी है जिसे स्टार्ट और ऑफ कर सकते हैं आप। ये आपका बहुत सुंदर सा पैनल है जिसमें एक टेम्परेचर मीटर, आवर मीटर और दो बत्ती लगा हुआ है जो एक बैटरी के लिए है, एक ऑयल प्रेशर के लिए है। आपका लूब ऑयल फिल्टर जो हाफ लीटर का लगा हुआ है। मात्र दो फिल्टर होते हैं इसमें, एक डीजल फिल्टर और एक लूब ऑयल फिल्टर, दोनों हाफ हाफ लीटर का। और ये इंजन काफ़ी किफ़ायती है। और ये इसका फ्लाईव्हील हाउसिंग है जहाँ फ्लाईव्हील लगा हुआ है। इसमें 6 बोल्ट लगते हैं। यहीं पे आप कोई भी इसके इस जो भी मशीन आपको चलाना है यहीं पे आपको कपल करना है, चाहे वो अल्टरनेटर हो, पगमिल हो या किसानी के लिए कोई भी मशीन आप चलाना चाहते हैं तो आपको फ्लाईव्हील में ही अटैच करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये इंजन सबसे कम फ्यूल खाता है। 1 घंटे में 12 HP का इंजन है और बहुत पावरफुल है। और इसके जो लॉन्ग लास्टिंग है बहुत लंबी है, कम से कम 8-10 साल तक कुछ नहीं होगा। इसका कलर भी काफ़ी सुंदर है। ये इसका ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये डायरेक्ट नोज़ल से निकल कर आपके फ्यूल पंप में जाता है। और बगल में ये जो होश है ये आपका रिटर्न होश है जो ओवरफ्लो तेल आपके टंकी में सीधा लेके आता है। ये इसका डीजल कैप है और उसके अंदर एक जाली लगी हुई है, तेल आप डालेंगे तो छन के अंदर जाएगा। लीवर तो आपने देख ही लिया। ये इसका हेड है और ये जो पाइप देख रहे हैं आप लुब्रिकेटिंग पाइप है जो हेड में लगा हुआ है। ये इसका ऑयल फिल्टर है, चाबी है। और मैं फीड पंप को निकाल के दिखाता हूँ। ये इसका फीड पंप है जो डीजल फिल्टर के जस्ट ऊपर लगा हुआ होता है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से पंप करके थोड़ा सा नट बोल्ट लूज़ करके अपना एयर निकाल सकते हैं इंजन का। पैसा वसूल इंजन है ये, पैसा वसूल है। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं और क्वालिटी चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर का आइसर इंजन ले सकते हैं। आपको ट्रैक्टर भी आइसर का दिखता ही होगा
तो ये बेस्ट इंजन, ये सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर, सेफ्टी टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है जो आपका ऑयल प्रेशर बताएगा। एक टेम्परेचर गेज और लगा हुआ होता है और एक टेम्परेचर सेंसर जो आपके उसको लाइनर फिन्स जहाँ रहती है वहाँ लगा हुआ होता है। और यहाँ से लीवर, ये आप देख ही रहे हैं, रेड कलर का होता है, इसे आप इंजन को बंद कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।